Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn bare bones of a Python program. This is class 11 chapter 6 Python fundamentals chapter. अगर आप देखेंगे तो इस chapter में एक topic है bare bones of a Python program. इसके पहले मैंने जो class 11 का video upload किया, आप उसमें देखोगे कि मैंने बताया था keywords, identifiers, operators वगैरह क्या, punctuators क्या. आज का ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होता है. जैसे आप कोई भी प्रोग्राम पाइथन का जब लिखोगे क्लास 11 के हिसाब से बच्चों, या अगर आप पहली बार कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्राम पढ़ रहे हो, कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, बेसिक कंपोनेंट्स जिसको हम प्रोग्राम के इनसाइड में यूज़ करते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो विदाउट लेट हम लोग इसको चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे लेट अस कंटिन्यू. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो होता है कोई भी प्रोग्राम जब आप पहली बार लिखोगे पाइथन में तो क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम कोडिंग लिखा हुआ है, इसको पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लेंगे. ये प्रोग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया दिस प्रोग्राम शोज ए प्रोग्राम कंपोनेंट्स. तो यहाँ देखिए एक हैश सिंबल का यूज़ किया, यहाँ भी हैश डिफिनीशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉर. ये हैश क्या है, ये कमेंट्स है, तो ये कंपोनेंट हो गया. ठीक है, ये हैश के साथ हम क्या करते हैं, कमेंट यूज करते हैं ना प्रोग्राम के सोर्स कोड को बताने के लिए किस चीज़ का प्रोग्राम है. तो ये कंपोनेंट्स है, दैट इज कमेंट्स, दैट इज बिगिन विथ हैश सिंबल, हैश मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज ना. तो यहाँ पे भी हैश, जहाँ जहाँ हैश यूज़ किए हैं ये हमारा क्या कमेंट्स का सेक्शन है, एक कंपोनेंट है प्रोग्राम. आप लिखते हो मान लो ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू ए माइनस 10, प्रिंट ए प्लस 3 इफ बी इज ग्रेटर देन 5. यहाँ पे ये जो ए इक्वल टू 15, बी प्रिंट, ये तीनों क्या कहलाता है, स्टेटमेंट. इट इज़ वन ऑफ द ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी एक कंपोनेंट है. ठीक है, इसके अलावा जो ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू ए माइनस 10, प्रिंट, इसको हम लोग एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं. एक्सप्रेशन क्या होता है अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन होता है आपका नंबर्स का, ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे. ऐसे यहाँ देखिए लिखा है स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन सीटीसी आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स. टोकन्स क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, सबसे छोटा पार्ट प्रोग्राम का टोकन कहलाता है. जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स है ना, ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू ऑपरेटर्स है, ए आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है, 15 क्या आपका एक न्यूमरिक वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, लिटरल्स है 15. तो इन सब का कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशंस डेवलप होता है, क्रिएट होता है. ठीक है, इसके बाद ये बी इज ग्रेटर देन 5 कॉलन, कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक. अभी ये क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे, फंक्शन का पार्ट है बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग इंडेंटेशन के बारे में अभी तो आप पढ़ोगे, लेकिन क्लास 12 में फंक्शन है उसमें ज़्यादा और बताया जाएगा. ठीक है, जब भी आप कॉलन लिखोगे, ये दो डॉट देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू क्रिएट एनी प्रोग्राम इन यूजिंग पाइथन, है ना, पाइथन जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग को इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं. यही अगर सी, सी प्लस प्लस और जावा का प्रोग्रामिंग है तो ये इंडेंटेशन की जगह कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ होता है. ठीक है, अब ये कॉलन देने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे चार स्पेसेस लीव आउट हो जाएगा. आप चाहो तो 10, 20, 30 स्पेस कर सकते हो, एज पर द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, आपका कैसा आपका इन्वायरमेंट है आप उस तरह सेट कर सकते हो. वेट चार ऐसे बेसिकली हम लोग मान के चलते स्पेस लेगा कॉलन देने के बाद. प्रिंट वैल्यूज ऑफ ए वॉज मोर देन 15 इनिशियल, यही बता रहा है इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में कि बी का वैल्यू जो है 15, क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ए वॉज मोर देन 15 इनिशियली. ओके, देन एल्स प्रिंट वैल्यूज ए वॉज 15 और लेस, वॉज 15 और लेस इनिशियली. तो बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम, थोड़ा सा भी इसको आपको समझने में दिक्कत होगा इफ़ और एल्स, क्योंकि आगे पढ़ेंगे. अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये है क्या. तो ये इंडेंटेशन आपको क्लियर हो गया, प्रोग्राम समझने का भी दिक्कत नहीं करना आपको, बाद में समझाएंगे जब इफ वाला ब्लॉक में हम लोग जाएंगे. अच्छा, ये आप हैश कॉलन मीन्स इट्स ब्लैक,
ब्लॉक, इट्स ए ब्लॉक, कॉलन के नीचे जो भी आप लिखोगे चार स्पेस के बाद उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। कमेंट बिगनिंग इन द मिडल ऑफ ए लाइन, इसको इनलाइन कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन भी समझ गए, चार स्पेस आपका जो छूट रहा है प्रोग्राम इफ ब्लॉक के बाद, ठीक है। और ये इफ एल्स और ये प्रोग्राम जो है इस तरह का हम लोग आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी हम लोग एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्ट को देखेंगे, सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्रेशंस, दूसरा है आपका स्टेटमेंट्स, थर्ड है आपका कमेंट्स, फोर्थ है आपका फंक्शन, फिफ्थ में है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। दीज आर द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम के लिए में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का काम क्या है, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल दैट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू। लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक क्या रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, जैसे a माइनस 10, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे माइनस का एक सिंबल है, अभी हम लोग या थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। a माइनस 10 अगर आप लिखते हो, ठीक है, a माइनस 10 इज व्हाट, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हो a प्लस 3, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कॉम्बिनेशन किसका, सिंबल्स का है। सिंबल क्या है आपका, देखिए यहाँ पे a प्लस 3 वाला में प्लस सिंबल है, a माइनस 10 वाला में आपके पास माइनस का सिंबल्स है, a आपका एक क्या है वेरिएबल्स है, 10 आपका क्या है एक वैल्यू, तो ये कॉम्बिनेशंस है ना, किसका कॉम्बिनेशंस है, तो ये सिंबल्स का है दैट जो कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिखते हो 12, 2.9, तो ये भी एक्सप्रेशन है, दैट आर वैल्यूज ओनली, ये सब भी एक्सप्रेशन है, ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन ही बोलेंगे इसको, ठीक है, दैट आर वैल्यूज ओनली, जिसमें से वैल्यूज है ना, दैट आर वैल्यूज ओनली, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन। 2.9 भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सिर्फ वैल्यूज है ना, ये भी क्या है आपका वैल्यूज ओनली है, ठीक है। और ये जो है आपका एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, ये सबको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो दोनों ही एक्सप्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, दैट प्रोड्यूस a value when evaluated, जब हम लोग evaluate करेंगे तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, कुछ value निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, python में expression कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ expression, अगर मान लो आप लिखते हो 4 + 7 / 9, तो ये भी क्या है, एक expression, ओके। यहाँ पे आपको थोड़ा bracket लगा देना होगा जिससे पता चले, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन इन पाइथन। आई होप कि आपको एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में, इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, दैट इज सम एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जिसका काम होता है कुछ ना कुछ काम वो करेगा, दैट डज समथिंग एंड एक्शन कुछ लेगा। जैसे आप लिखते हो प्रिंट हैलो, अगर आप पाइथन में लिखते हो क्या प्रिंट हैलो, तो क्या करेगा, दिस स्टेटमेंट कॉल्स प्रिंट फंक्शन, ये क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा और हैलो को प्रिंट कर देगा। तो ये आपका पाइथन में क्या कहलाता है, प्रिंट हैलो, या आप इफ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a माइनस 10 अगर आप लिखते हो इस तरह से, तो ये, या इफ b इज लेस देन 5, ये सब पाइथन में क्या कहलाता है, स्टेटमेंट्स कहलाता है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंगल है तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, मल्टीपल है तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए। ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड मे और मे नॉट यील्ड ए वैल्यू, हो सकता है स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ वैल्यू दे और कभी कुछ वैल्यू ना भी दे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाइल एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ए स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड दैट इज सम टेक्स्ट प्लेस, एक्शन टेक्स्ट प्लेस, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन ए वैल्यू, जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू में रिजल्ट दे, इट मे और मे नॉट यील्ड अ वैल्यू।
बेसिकली जो भी आप लिखते हो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू ए माइनस 10, इफ बी इज लेस, बी इज लेस देन 5, इस तरह का जो आप पार्ट लिख रहे हो प्रोग्राम के अंदर में, इसको हम स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है, और हर एक स्टेटमेंट का रिजल्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कमेंट्स, जो प्रोग्राम में हम लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स का काम क्या आता है? एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो उसमें आप लिखोगे नहीं प्रोग्राम टू ऐड एडिशन ऑफ टू नंबर, प्रोग्राम मेड बाय आसिफ सर, या प्रोग्राम मेड बाय दिस, है ना। जस्ट रीडेबल इंफॉर्मेशन, जैसे कोई प्रोग्राम को ओपन किया है, प्रोजेक्ट को ओपन करता है प्रोग्राम्स में, तो उसके अंदर पता चले ये प्रोग्राम कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या वेरिएबल्स है, आइडेंटिफायर्स यूज किया गया, प्रोग्राम में कितना लाइन्स ऑफ कोड है। एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स इन पाइथन बिगिन किससे होता है? सिंबॉल हैश सिंबॉल से होता है, और जनरली इंड विद इंड ऑफ द फिजिकल लाइन, और किससे इंड होता है जनरली, एंड जनरली इंड विद द इंड ऑफ फिजिकल लाइन, एंड जनरली इंड विद इंड ऑफ द फिजिकल लाइन। कहने का मतलब हुआ जैसे मान लो ये एक फिजिकल लाइन है, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम कंपोनेंट्स, ये लाइन फिजिकल लाइन है, तो यहाँ पे आप इसको कमेंट अगर बनाना चाहते हो तो उसके आगे में हैश सिंबॉल लगा, जैसे हैश लगा तो रेड हो जाता है पाइथन का। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, अगर एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट्स आपको लिखना है पाइथन में। ये तो हम लोग प्रीवियस आप मैंने वीडियो बताया उसमें बताया ही आपको कमेंट्स के बारे में, सिंगल लाइन के लिए हैश, मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स को दो बार, मतलब जो जहाँ से जहाँ तक करना है उसको मल्टीपल लाइन को उसमें लगा देते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि कैसे कमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, सिंगल लाइन के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, कुल भी आप देखोगे ये सिंगल लाइन कमेंट, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। देखिए कमेंट में आ गया, तो ये आपका हो गया कमेंट, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस, ये आप क्लास 12 में बेसिकली डिटेल में पढ़ोगे। फंक्शंस होता है क्या? सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, या फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम, फंक्शन का एक नेम होता है, एंड इट कैन बी रीयूज, इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम, उसका नाम लिख के। जैसे यहाँ फंक्शन का नाम है ग्रीट मैसेज, फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीट मैसेज। डेफ आपका क्या है? एक यहाँ पे डेफ कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लास्ट में आपको एक कॉलन लगाना पड़ेगा जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं। आप जैसे इंटर करोगे तो यहाँ चार स्पेस बता देता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो भी अब इस इंटर करने के बाद आप लिखोगे तो एक इसी लाइन पे लिखाएगा, मतलब ये इंडेंटेशन हो गया। इसी को सी सी प्लस प्लस जावा में कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, लेकिन पाइथन में ये डबल कोट्स ये दो डॉट आप जो देख रहे हैं इसको कॉलन बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये ब्लॉक बन गया, ये पूरा क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। अब जो भी लिखोगे इसके अंदर, ये फंक्शन ग्रीट मैसेज के अंदर, प्रिंट गुड मॉर्निंग पाइथन। तो जब भी अब इस ग्रीट मैसेज को आप एक फंक्शन बन गया, अब इसको जब भी कॉल करोगे तो इसमें गुड मॉर्निंग पाइथन लिखा हुआ है। ओके, तो फंक्शन बेसिकली क्लास 12 में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, बुक में भी दिया हुआ है। और फंक्शन खाली इतना याद रखना है, ऐसा फंक्शन एक कोड है जिसका एक नाम होता है जिसको हम लोग डेफ कीवर्ड से यूज़ करते हैं, और दैट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम, उसके फंक्शन को बार बार कॉल करके हम लोग जैसे चलिए इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग देख लो, डेफ याद रखना क्या यूज़ करते हैं। ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन क्या होता है? ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, ठीक है, ना ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन क्या? इंडेंटेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? जो जैसे कि यहाँ पे आपने कॉलन लिखा इफ के साथ, ठीक है, यहाँ पे आपने इफ के साथ कॉलन लिखा, आई एफ स्मॉल में होगा। अब इस कॉलन के बाद ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो इसके अंदर आप लोग लिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन ब्लॉक या इंडेंटेड ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ एक क्या ग्रुप हो जाएगा एक कॉलम के बाद चार स्पेस के पास, जो भी अब लिखाएगा इस चार स्पेस के बाद, और जितना कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अभी हम लोग पढ़े, जितना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसके अंदर और भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, इसके अंदर और भी आप लिख सकते हो प्रिंट, है ना, प्रिंट, ठीक है। इसमें हम लोग लिखते हैं मान लो प्रोग्राम इंट्स, प्रोग्राम इंट्स। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये एक ब्लॉक हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है। और ये ब्लॉक किसका है, इफ के, इफ का ब्लॉक, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन से ऐसे ब्लॉक और कोड ब्लॉक और सूट इन ए पाइथन, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ब्लॉक भी बोलते हैं, कोड ब्लॉक भी और सूट भी बोलते हैं पाइथन। यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे इफ, इफ के अंदर ये ब्लॉक आ गया, ब्लॉक कैसे होगा, ये इंडेंटेशन देने के बाद, ये कॉलम देने के बाद, अब ये पूरा का पूरा आपका एक ब्लॉक हो गया, सूट। यही आपका ब्लॉक्स और इंडेंटेशन है पाइथन। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, वेरिएबल्स क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हिज वैल्यूज कैन बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग ए प्रोग्राम। जैसे कि आप कैसे वेरिएबल को डिफाइन करोगे या क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है कि नेम लोकेशन होता है। जैसे रॉल नंबर एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर हम लोग कितना रखे हैं वैल्यू 10, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुज वैल्यूज कैन बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम। हम मान लो कोई प्रोग्राम बता रहे हैं जिसमें आपको रोल नंबर नेम स्टूडेंट का इनपुट करना है, तो रोल नंबर इक्वल टू 10, स्टूडेंट का नाम हम लोग लिख दिए आकाश, ठीक है, एज का 25, बैलेंस उसका ये अमाउंट लिख दिए। तो यहाँ पे आपका देखिए रोल नंबर, यहाँ पे जो आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एज हो गया ये, उसके बाद बैलेंस, ये सारा का सारा आपका क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है। दीज आर द वेरिएबल्स इन पाइथन, और इसका वैल्यू जो है राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड है वेरिएबल का नाम, राइट साइड में उसका वैल्यू लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है 10, तो ये वेरिएबल रोल नंबर जो वेरिएबल है वो न्यूमरिक इंटीजर टाइप का, क्योंकि इसमें वैल्यू हमने 10 रखा। आकाश एक क्या है, वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि आकाश एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जो हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। एज इक्वल टू 25, ये फिर न्यूमरिक इंटीजर टाइप है। बैलेंस में ये क्रिएटेड न्यूमरिक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। तो ये वाला पार्ट जो हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसी तरह से हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। पाइथन इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करके बनाते हैं, ठीक है। अभी तक इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में वेरिएबल्स का, स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।